सो वेलकम बैक टू न्यू वीडियो दोस्तों। यहाँ पे दोस्तों मैं जितने भी दिन से मतलब कई दिनों से यार मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो यार आप मेरी वीडियोस में यार ये जो नीचे सर्च बार है और मैंने यार काफ़ी बार सेटिंग्स में ले जाके यार आपको शोकेस भी कराया है, होम स्क्रीन में यार -1 स्क्रीन और ये जो iOS जैसे जो रीसेंट है ये आप कैसे यार इनेबल कर सकते हो किसी भी डिवाइस में, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर से देखना, एक भी पार्ट स्किप मत करना। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। यार इसके लिए मैं बता दूं कि यार सबसे पहले मैं इसके हाइलाइट्स आपको बता देता हूं कि आपको क्या क्या मिलता है। तो यार सबसे पहले तो आप देख सकते हो यहां पे आपको होम स्क्रीन सर्च बार मिलता है, बट यहां पे आप जो गूगल वाला है वो नहीं लगा सकते, इसमें जो है यही वाला आपको देखने को मिलता है एज अ शो पीस है ये आपके जो है होम स्क्रीन में, क्योंकि काफ़ी सारे लोग को चाहिए, यूज़ तो वो करते नहीं तो आप इस वजह से लगा सकते हो। बाकी अगर मैं बात करूँ सेटिंग्स में ले जाके तो यहाँ पे देख सकते हो कि आपको होम स्क्रीन में -1 स्क्रीन में मिलता है, बट यहाँ पे एक बग भी जैसे हम यहाँ पे देख सकते हो हमने ऐप वोल्ट को यहाँ पे इनेबल किया तो यहाँ पे यार जो गूगल डिस्कवर है वो ऐसे नहीं जाएगा, आपको एक बार यार इसमें ऐप वोल्ट में स्विच करके रिबूट करना होगा तब जाके ये होगा। गूगल डिस्कवर का आपको ऑप्शन मिल जाता है और यहाँ पे आप देख सकते हो अरेंज आइटम इन रिसेंट अभी आपको कुछ इस तरह से मिल रहा होगा, बट आप ऐसे करोगे देख सकते हो आपको iOS जैसा मिलेगा, तो इस में आपको कुछ इस तरह से मिलता है। एंड इसमें एक्स्ट्रा में अगर मैं बताऊँ तो आप देख सकते हो रीसेंट्स में हम जैसे जाते हैं तो कुछ कुछ डिवाइसेज में जो ये रीसेंट बैकग्राउंड का जो रीसेंट का बैकग्राउंड है इसमें ब्लर इफेक्ट नहीं है, जैसे Redmi Note 10 सीरीज है। उसके बाद आप देखोगे तो यहाँ पे फोल्डर ब्लर भी है, आप देख सकते हो फोल्डर भी हम जैसे ओपन करते हैं ब्लर आ जाता है, तो ये सब आपको चीज़ें मिलती है। और जो इन ऐप एनिमेशन आप देख सकते हो जैसे सेटिंग का आइकन रोटेट होता है या फिर गैलरी से आप एग्जिट करते हो तो इस तरह से आपको सनराइज मिलता है, तो ये सब मैंने भी आपको पहले ही बताया हुआ है कि ये काफ़ी सारे अपडेट आने से काफ़ी डिवाइसेस में यार ये रिमूव हो रहा है, तो इसको आपको जैसे इनेबल कर सकते हो। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ किस तरह से आपको इसे इनेबल कर। तो यार इनेबल करने के लिए यार आपको सिर्फ एक ही चीज़ चाहिए, वो है यार आपको मैजिस्क चाहिए। तो यहाँ पे आपको डिवाइस यार रूटेड होना चाहिए, आप देख सकते हैं मेरा एंड्रॉयड 10 है तो यहाँ पे लेटेस्ट 23 इंस्टॉल्ड है। आप अगर एंड्रॉयड 11 पे हो तो यार मी जो है एंड्रॉयड 11 पे हो तो जो है मैजिस 21.4 इनेबल कर लेना। तो यहाँ पे आपको करना क्या है, सिंपली यार मैं आपको यार डाउनलोड्स का मैं यार लिंक दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, और सिंपली आप देख सकते हो ये वाला आपको देखने को मिल रहा है, सिंपली ये जो है इसको सेलेक्ट करना और आपने सिंपली आपको इसको यहाँ पे कर देना है, तो सिंपली आपका कुछ इस तरह से इंस्टॉल हो जाएगा। इंस्टॉल होने के बाद सिंपली यहाँ पे आपको एक बार यार डिवाइस को यहाँ पे रिबूट कर देना है और बस आपका काम हो गया। अब मान लीजिए आपको ये जो मॉड्यूल है वो हटाना है तो सिंपली आप यहाँ पर जाना है और यहाँ पर जाने के बाद ये जो है इसको सिंपली यहाँ पर रिमूव कर देना है, बस यहाँ पर आप रिमूव करोगे तो आप बैक टू स्टेबल वर्जन पर आ जाओगे। तो यार यही थी यार छोटी सी वीडियो, आपको पसंद आई होगी, पसंद आई तो लाइक कर लेना। एंड काफ़ी लोग कहते हैं कि भाई हमें रूट नहीं करना, मुझे पता है बैंकिंग एप्लीकेशन काम नहीं करती, बट आप मैजिस्क हाइड वगैरह जैसी चीज़ें यूज़ करो, काफ़ी फायदेमंद रहता है रूट करना। तो मिलते हैं आपसे कल एक और नई वीडियो के साथ, टिल देन बाय एंड सी यू इन द नेक्स्ट वन। Did you ever try to pop on the left side, put it up in your mind?